Hello everyone, welcome back to my channel. So yeah, this is Dipali Mehra and today we are going to discuss about the how to balance photosynthesis equation. ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. राइट, सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस O2 means oxygen. अब हमें देखना है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे. राइट, टेबल में हम सबसे पहले जो ब्लैंक बनाएंगे वो एलिमेंट्स का ब्लैंक बनाएंगे. राइट, एलिमेंट्स लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड. राइट, राइट एंड साइड. सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास? सी मीन्स कार्बन एंड ओ, ऑक्सीजन एंड एच. ओके, चलो सब में एक बार चेक करते हैं. कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए इस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं. अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से कितने एलिमेंट्स है. ओके, तो कार्बन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना है. वन कार्बन, ओनली वन कार्बन, वन कार्बन. ठीक है, सिर्फ वन कार्बन देख गया. एंड ऑक्सीजन काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड. गॉट इट? दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अ राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है? वन. अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं. ऑक्सीजन कितने हो गए? टू ऑक्सीजन हो गए. ओ टू लिखा है ना, इट मीन्स टू ऑक्सीजन एंड वन ऑक्सीजन गिरा. तो ऑक्सीजन कितने हो गए? थ्री ऑक्सीजन हो गए. राइट, अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं. तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए? एच टू. एच टू मीन्स टू हाइड्रोजन. गॉट इट? अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की. राइट हैंड साइड में कार्बन देखो कितने हैं? सी सिक्स, सिक्स कार्बन है. ऑक्सीजन कितने देखो? ओ सिक्स. ओ टू मीन्स एट ऑक्सीजन है. ओके, एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है हमारा राइट हैंड साइड में? ट्वेल्व. एच ट्वेल्व मीन्स ट्वेल्व हाइड्रोजन है. अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे सिक्स कार्बन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें इस कार्बन को सिक्स करना है. राइट, चलो इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस कलर. ओके, इट मीन्स वन को हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू सिक्स कार्बन हो जाएंगे. गॉट इट? ऑक्सीजन यहाँ पे एट है और यहाँ पे ऑक्सीजन थ्री है, तो हमें इसको भी बैलेंस करना है. ठीक है, तो हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो मैं अभी आगे दिखाती हूँ. यहाँ पे हाइड्रोजन टू है, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्वेल्व है, इट मीन्स इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ट्वेल्व हाइड्रोजन हो जाएगा. तो अब इसको बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो दोबारा हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं. सी ओ टू प्लस एच टू की सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू. अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हम दूसरा कलर यूज करते हैं, दिस वन CO2. हमें क्या करना है यहाँ पे? कार्बन को कितना करना है? सिक्स, ताकि राइट हैंड साइड पे कार्बन सिक्स है. ठीक है, तो हम इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स से. ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हो गया, सी सिक्स, यहाँ पे भी सी सिक्स हो गया. बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन ओ टू है, सिक्स टू द ट्वेल्व, ऑक्सीजन ट्वेल्व हो चुका है यहाँ पे. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन को ट्वेल्व करना होगा. तो हमने यहाँ पे सिक्स कर दिया, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व. तो यहाँ पे भी ट्वेल्व ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी. राइट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एच टू ओ. यहाँ पे एच ट्वेल्व है. अब हमें एच को क्या करना है? ट्वेल्व करना है. इट मीन्स इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व. राइट, सिक्स से यहाँ पे एच ट्वेल्व है. बट यहाँ पे क्या हुआ? सिक्स एच टू मीन्स सिक्स एच भी है, सिक्स ओ भी है. राइट, हमें यहाँ पे भी करना है. यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ सिक्स है ही, ये बैलेंस हो गया. सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. हमें यहाँ पे सारे एलिमेंट्स इक्वल इक्वल करने हैं. सिक्स सी ओ टू मीन सिक्स कार्बन एंड ऑक्सीजन ट्वेल्व. तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ट्वेल्व कर लिया, सिक्स सिक्स और यहाँ पे सिक्स सी कर लिया. सिक्स एच टू ओ मीन्स हाइड्रोजन कितने हो गए? ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन सिक्स. हाइड्रोजन ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन सिक्स. So guys, if you like this video, please do subscribe and share with your friends. Thank you.